प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पबजी। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में पबजी के 55 प्लस मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। ओवरऑल 100 प्लस मिलियन है, बट उसमें से 55 प्लस मिलियन डाउनलोड सिर्फ इंडिया में है, जिसमें से 33 प्लस मिलियन यूजर्स एक्टिव है। अगर आप भी पबजी खेलते हैं और आपको लगता है कि पबजी धीरे धीरे आपका एडिक्शन बनता चला जा रहा है, तो अगर तुम्हें अपनी फैमिली से, खुद से, अपने फ्यूचर से, अपनी पेरेंट्स से जरा सा भी प्यार है, जरा सा भी लगाव है, थोड़ा सा भी उनके बारे में सोचते हो या थोड़ा सा भी अपने बारे में सोचते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि घंटों मोबाइल के सामने आंखें गड़ाकर बैठे रहने से सिर्फ आपकी आई साइट वीक नहीं हो रही है, आपका ब्रेन वीक नहीं हो रहा, उसके साथ में बहुत से ऐसे वेज हैं जिसके साथ में ये गेम आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। सो आज की इस वीडियो में मैं उन 7 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। सो उन 7 पॉइंट्स देखने के बाद शायद आप अपनी लाइफ में कभी दोबारा पबजी जैसा गेम नहीं खेलना चाहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ में रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट दूर कर दूं, जिसके मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पबजी एक चाइनीज गेम है। तो चलिए पहले आपके कुछ डाउट्स क्लियर करूं। पबजी मोबाइल और पबजी पीसी ये दो अलग चीजें हैं, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। पबजी मोबाइल और पबजी पीसी, पबजी पीसी जो था ये दिसंबर 2017 में लॉन्च किया गया था ब्लू होल स्टूडियो के द्वारा, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है और 100% राइट्स उसी के पास थे। बट उसके बाद 2018 में एक चाइनीज कंपनी है टेंसेंट गेम्स, इस कंपनी ने ब्लू होल स्टूडियोज को ऑफर दिया इस गेम को चाइना में लॉन्च करने का। बट उसी के साथ में इन्होंने ऑफर दिया कि ये गेम वो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना चाहते हैं, और उसी के साथ में इन्होंने ब्लू होल कंपनीज में एक स्टेक मांगी, यानी कि पार्टनरशिप मांगी, और पार्टनरशिप के नाम पे इन्होंने 11.5% यानी 11.5% शेयर्स खरीद लिए पबजी मोबाइल में। आज के टाइम में भी 11.5% शेयर्स पबजी मोबाइल में चाइना की टेंसेंट कंपनी के हैं। ये मैं नहीं कहता कि इनको कमाई नहीं होती। 2019 में $1.3 बिलियन बहुत बड़ी रकम है, सिर्फ 11.5% शेयर होने के बावजूद टेंसेंट कंपनी ने इससे कमाए थे। तो चाइना को भी इससे बहुत मोटी कमाई हो रही है इस गेम से, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बट ओरिजिनली आप लोग पूछते हैं कि यह बैन क्यों नहीं हुआ, तो बैन इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये गेम जो है ये साउथ कोरिया में लिस्टेड है, वहाँ की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, दैट्स वाई ये गेम बैन नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे पबजी आपके फ्यूचर और प्रेजेंट को स्पॉइल कर रहा है, उन 7 लाइफ चेंजिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, एक्सट्रीमली वायलेंट। यस, फर्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीमली वायलेंट। ये गेम बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, और जैसा कि हमारे बड़े ऑलरेडी हमसे कहते हैं कि आप जिस चीज़ में हमेशा घिरे रहते हो, यानी कि आपकी जो सराउंडिंग्स होती हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और जब आप पबजी खेल रहे हो, पूरा दिन पबजी खेल रहे हो, 6 से 8 घंटे तो खेल ही रहे हो, तो जब आपका पूरा टाइम वहीं पे बीत रहा है, आप हर टाइम आपके आसपास वही चीज़ घूम रही है, तो क्या गेन करोगे आप वहाँ से? आप भी उस वायलेंस को अपने अंदर इंक्रीज करोगे, जो कि आप में से बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि जो पिछले 1 साल से करीब पबजी खेल रहे हैं उनके बिहेवियर में कैसा चेंज आया है। क्या वो घर पे कोई उनसे कुछ कहता है, उनके फ्रेंड्स कहते हो, तो उनका जो नेचर है वो वायलेंट होता जा रहा है, बातों को एग्रेशन के साथ में रिप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये सच है कि जो आपकी सराउंडिंग्स होंगी आपके चारों तरफ हमेशा रहेंगी, आप उसमें से कुछ ना कुछ तो अडॉप्ट कर ही लोगे। अगर 100% वायलेंस है वहाँ पे, तो आप 100% ना सही 5% वायलेंस तो अडॉप्ट करोगे ही, लेकिन कुछ लोगों का ब्रेन अलग तरीके से वर्क करता है, वो 100% का 50% 60% तक अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द मेन रीजन, ये पॉइंट 1 जो था ये एक्सट्रीमली वायलेंट है, दैट्स व्हाई यू शुड नॉट प्ले दिस गेम। एंड अभी से कोशिश करिए कि इस गेम से दूरी बनाने की कोशिश करिए, शायद पहले दिन से दूरी ना बना सके, बट कोशिश करिए कि इस गेम से दूरी बनाएं आप। सेकेंड पॉइंट, लीड्स टू गेमिंग एडिक्शन। यस, ये आपको गेमिंग एडिक्शन की तरफ लीड करता है। कैसे? इवन मैं मानता हूँ इस बात को कि पबजी गेमर्स के लिए एक जेम की तरह है, यानी कि एक हीरे की तरह है, जो कि काफ़ी अच्छा गेम है, दैट्स ट्रू, ये एक सच्चाई, बट गेम बहुत अच्छा है, इसके चक्कर में आप अपनी लाइफ स्पाइल कर लो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम को खेलोगे, क्योंकि ये गेम अच्छा है, इसकी वजह से आप इसके लिए एडिक्ट हो रहे हो, और एडिक्ट हो रहे हो इसका मतलब अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप हर चीज़ को छोड़ते जा रहे हो, सिर्फ गेम पे अपना ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई को, लाइफ को, सोशल लाइफ को, सब कुछ छोड़ते जा रहे हो, और पूरा ध्यान आपका सिर्फ गेम पे है, दैट्स वाई इट्स मेकिंग यू एडिक्टेड। जब एडिक्शन किसी चीज़ के लिए हो जाता है, तब जानो कि हर चीज़ का, कोई भी एडिक्शन हो, चाहे वो नशे का एडिक्शन हो, चाहे ज़्यादा गेमिंग का एडिक्शन हो, या फिर किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, एडिक्शन कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है किसी चीज के लिए। एडिक्शन अगर लाइफ में आपको लाना है, तो अपने पैशन के लिए लाइए एडिक्शन। अगर आप गेमिंग आपका पैशन, तो बिल्कुल एडिक्शन होना चाहिए आपके लिए, बट गेमिंग अगर आपका पैशन नहीं है कि मुझे आगे चलकर सिर्फ गेमिंग में अपना फ्यूचर बनाना है, देन इट शुड नॉट बी योर एडिक्शन, फाइंड समथिंग एल्स। थर्ड पॉइंट है, यू एंड अप बिकमिंग लेस सोशल। यस, जब आप लाइफ में
8 से 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे सिर्फ गेमिंग को दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पबजी खेल रहे हो या अदर कोई भी गेम आप लाइफ में खेल रहे हो, देन आपके पास टाइम नहीं है सोशल होने का। सोशल होने का मतलब ये है कि आपके पास टाइम नहीं है अपनी फैमिली से मिलने का, आपके पास टाइम नहीं है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, अपने फ्रेंड्स से मिलने का। इवन पबजी के चक्कर में तो अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करो, तुम्हारे जो फ्रेंड्स भी हैं वो भी तुम्हारे साथ पबजी में लगे हुए हैं साथ में, तो उन्हीं के साथ वहाँ पे भी बात कर रहे हो, उसमें भी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करो ड्यू टू पबजी। आपको भी पता है कि सोशल एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ लेसन्स देती हैं, लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे उनके साथ पेश आना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको बाहर निकलने पर सीखने को मिलती हैं दूसरों को देख करके, दूसरों से बात करके। सो ये एक लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको इस पार्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, इट प्रमोट्स बैड फिजिकल हेल्थ। यस, जब आप कंटिन्यू गेमिंग कर रहे हो, कंटिन्यू लेटे हुए हो, क्योंकि मोस्टली लोगों की आदत है जब वो गेमिंग कर रहे हैं तो गेमिंग करते टाइम लेट के गेमिंग कर रहे हैं, बैठ के गेमिंग कर रहे हैं, उल्टा उल्टा सोफे पे लेट गए गेमिंग कर रहे हैं, आप कोई भी पोस्चर या कुछ भी ध्यान नहीं देते हो, कंटिन्यू अपना आपका सर ऐसे लगा हुआ है अगर बैठे हुए हो आप करके टेढ़ा करके बैठे हुए हो, तो ये सभी चीज़ें आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आप क्या करते हो, जब भी आप गेमिंग कर रहे हो तो कुछ बाहर से खरीद लिया, चिप्स का पैकेट खरीद लिया, कोई भी जंक फूड्स वगैरह कुछ भी ले लिया, साथ में लेटे हैं उसको हम खाते चले जा रहे हैं, इससे क्या होता है आपकी जो हेल्थ है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। मेंटली तो आपको ये डिस्टर्ब कर ही रहा है क्योंकि आप कंटिन्यू 8 से 10 घंटे अपनी आंखों को लगा करके उस पर गड़ा रहे हैं, आपका पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे है। सो मेंटली तो ये आपको कर ही रहा है हार्म, बट उसके साथ में आपको फिजिकली और भी ज़्यादा हार्म कर रहा है। सो अभी से गेमिंग को कम करिए और बाहर निकलिए, अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, फिजिकल हेल्थ लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान दीजिए इस पे। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है मेंटल हेल्थ। यस, इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन मैनी वेज। लाइक जब आप कॉन्टिन्यूसली गेम खेल रहे हो 8 घंटे 10 घंटे आप सिर्फ गेम खेल रहे हो, आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, आप एक जगह जहाँ बैठे थे वहीं बैठे हैं या वहीं पे लेटे हैं या उठे 1-2 सेकंड के लिए फिर आके वहीं पे हम लेट गए, सो ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा गेमिंग के जो सबसे कॉमन रिस्क हैं वो है डिप्रेशन, एनजाइटी, ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूस गेमिंग से आते हैं। सो पबजी भी उनमें से ही एक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आपको एडिक्ट बना रहा है गेमिंग को लेकर के। डेफिनेटली इट्स अ गुड गेम, देखने में खेलने में बहुत मज़ा आती है, बट इतना मत खेलो या इतना ज़्यादा गेमिंग मत करो कि ये आपकी लाइफ को, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर दे, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम में डाल दे, आपको प्रॉब्लम में डाल दे। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो और बाहर निकल के कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर करिए, कि बाहर निकलते हैं आप कोई गेम खेलिए, क्रिकेट खेलिए, टेनिस खेलिए, कुछ भी जो भी आप छोटे मोटे गेम खेल सकते हैं वो खेलिए, इवन लूडो तक खेल सकते हैं, लेकिन फिजिकली खेलिए, मोबाइल पे मत खेलिए। नंबर 6 पे है स्लीप पैटर्न। यस, इट डिस्टर्ब्स योर स्लीप पैटर्न। कैसे, जब आप कंटिन्यू गेमिंग कर रहे हो, दिन में भी आपने गेमिंग की, रात में भी आप जैसे ही बेड पे गए आपने गेमिंग स्टार्ट कर दी, 10 बजे से खेला एक गेम, खेला 10, 10:30, 11 तक खत्म हो गया, फिर सोचा बहुत मजा आई दूसरा खेलता हूँ, दूसरा खेला, फिर ऐसे ही हुआ बढ़ते बढ़ते वो 3, 4, 5 बज गया आपका और आप नहीं सोए, किसी दिन जल्दी सोने की कोशिश की, किसी दिन देर में सोए, तो इससे क्या होता है हमारा जो ब्रेन होता है वो उसी वे फंक्शन करता है, उसका स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता रहता है, और स्लीपिंग पैटर्न चेंज होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपकी आईसाइट्स बहुत ज़्यादा वीक होनी शुरू हो जाती है, उसके साथ में आपको एंजाइटी की शिकायत बहुत ज़्यादा होने लगती है कि आप बैठे हो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, उलझन महसूस हो रही है, वॉमिटिंग फील होती है, बहुत ज़्यादा गेमिंग से वॉमिटिंग भी बहुत से लोगों को फील होने लगती है, ये एंजाइटी के ही लक्षण होते हैं। तो इस तरह से भी ये आपको काफ़ी क्षति पहुँचा रहा है आपकी बॉडी को, आपके शरीर को। कई लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि आजकल रात में उन्हें प्रॉपर नींद नहीं आती है, सोते हैं तो उसमें भी गेमिंग चल रही दिमाग में, अगर सो रहे हो आप तो सोते टाइम भी आपके दिमाग में गेमिंग चल रही होती है, आप गेम जीत रहे हो या हार रहे हो कुछ भी चल रहा है बट आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं। सो इस वजह से ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर स्लीपिंग टाइम बनाएं, एक प्रॉपर टाइम दें अपने गेम के लिए, कि अगर आपने सोचा है कि आपको 1 घंटा गेमिंग के लिए देना है तो 1 घंटा आप दीजिए, अदरवाइज वैसे तो मैं कहूँगा पूरी तरह से ऐसे एडिक्टिव गेम्स पूरी तरह से आपको छोड़ देने चाहिए खेलना, आपको नहीं खेलने चाहिए ऐसे गेम्स जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छे ना हो। नंबर 7 पे है नो टाइम टू डू एनीथिंग। यस, जब आप कंटिन्यू गेम खेलोगे कुछ भी करने का आपका मन नहीं, क्योंकि अगर आप 1 भी सेकंड के लिए गेम बीच से छोड़ते हो या आपका ध्यान भटकता है तो उधर से कोई आपको उड़ा देता है। सो इस वजह से आप गेम को नहीं छोड़ना चाहते हो, आप प्रॉपर पूरा ध्यान गेम पे लगाना चाहते हो, इवन आप अगर आपकी मदर सिस्टर या फादर कोई आपसे 1 ग्लास पानी भी मांगता है तो आप कहते हो बस आया 2 मिनट में आया, बस 2 मिनट में आया, दोबारा मांगते फिर कहते हो आप 2 मिनट में आया, इस बार इस चक्कर में आप कई बार घर पर गालियाँ भी खा जाते हो डेफिनेटली, कि घर वालों की डांट आपको पड़ी जाती होगी इस चक्कर में, सारा दिन पबजी खेलते रहते हो, पबजी में घुस जाओ, उसी में घुस जाओ, फोन में घुस जाओ, इस तरह की शायद बातें आप सब लोग अपने घर पे सुन चुके होंगे। सो ये कॉमन चीज़ें हैं, जो भी पबजी एडिक्ट है या बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है सिर्फ पबजी को ही टाइम दे रहा है, उसकी लाइफ में और कुछ करने का टाइम ही नहीं होता है,
इवन आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो कल आपका एग्जाम है, आज आप सोच रहे हो अच्छा एक पबजी का गेम खत्म कर लूँ, एक गेम खत्म हुआ, अरे यार एक ही तो हुआ, अभी और खत्म कर लेते, अभी टाइम है, थोड़ी देर में और करूँगा, तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपका टाइम खत्म हो जाता है, आप ना पढ़ पाते हो उसके लिए। आप कोई टारगेट रखते हो, कल मुझे ये काम करना है या कल मुझे वहाँ जाना है, नेक्स्ट डे आप गेम खेलना शुरू किए, उसको अगले दिन पे टाल देते हो, यार आज नहीं, आज ये गेम खत्म कर लिए तो बहुत मजा आ रही है, कल करेंगे इस काम को, फिर कल परसों ऐसे होता होता उस टाइम निकल जाता है और वो काम भी निकल जाता है। इस तरह से इवन प्रेजेंट में अगर कोई काम तुम कर रहे हो तो उसको कहते हैं अच्छा ये गेम खत्म कर लूँ फिर करूँगा, ये सामान उठा के यहाँ से वहाँ रखना है, गेम खत्म कर लूँ तब कर लूँगा। आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हो इस चक्कर में कि ये कर लूँगा तो वो कर लूँगा तो वो कर लूँगा, सिर्फ पबजी के चक्कर में। तो ये आपको कुछ और नहीं करने दे रहा है, आप पूरा टाइम जितना भी आप फ्री टाइम हो, लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं घर पे उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ और, बट आप फ्री टाइम की तो बात छोड़िए, आप फ्री टाइम के साथ में जो आपका बिजी शेड्यूल है इवन आप उस टाइम को भी फ्री टाइम में जोड़ करके गेमिंग पे दे रहे हो, आप पूरा टाइम गेमिंग के साथ में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो ये एक रीज़न है कि आपको इतनी ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी चाहिए, पबजी जैसे गेम को छोड़ देना चाहिए जो आपको इतनी तरीके से एडिक्ट बना रहा है। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपसे बात की इन 7 पॉइंट्स पे कि व्हाई यू शुड नॉट प्ले पबजी, बिकॉज ये आपकी लाइफ को बहुत सी वेज में इफेक्ट कर रहा है, आपकी रेगुलर लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, आपके फ्यूचर प्रेजेंट को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सो आपको ज़रूरत है इससे बाहर आने की, और बाहर आना कोई आसान काम नहीं है अगर आप एडिक्ट हो चुके हैं, उसके लिए एक बहुत ही सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है, जो कि मुझे पता है आप कर सकते हो। फिलहाल अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपने अभी तक पूरा वीडियो देख लिया तो होप आप इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान चुके होंगे, होप आज से आप नहीं खेलेंगे, एडिक्शन डालने हैं तो अच्छे एडिक्शन डालो, इस टाइप के एडिक्शन बिल्कुल नहीं, आज से ही सोच लो कि नहीं, से नो टू पबजी। गाइस आज के वीडियो में यार इतना ही रखते हैं, और आज के वीडियो में अगर आपको मुझसे कोई भी एक अच्छी बात सीखने को मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना तो भूले ही नहीं होगे तुम ऑलरेडी, शायद पहले ही कर दिया होगा, और नहीं किया तो अभी लाइक कर दो इसको फटाफट, और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा हर उस पबजी एडिक्ट के साथ में या हर उस पेरेंट्स के साथ में जिनके बच्चे हैं पबजी एडिक्ट। आज के वीडियो में यार इतना ही रखता हूँ, मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।